नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नितीशा और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। बागेश्वर के गांवों में रहने वाली जनता सड़क जैसी मूलभूत सुविधा की मांग को लेकर जिलाधिकारी ऑफिस के चक्कर काट रही है और माननीय विधायक झूठे आश्वासन खुले मंचों से जनता को परोस रहे हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर के डीएम ऑफिस में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। वहीं कपकोट से आए कुछ ग्रामीणों ने बताया कि टेंडर पूरा होने के बाद भी 8 महीने तक सड़क निर्माण का जरा भी काम नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि कपकोट विधायक उद्घाटन की तस्वीर तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते। इस तरह बागेश्वर जिले के कई इलाकों से आए लोगों ने एडीएम के सामने अपनी अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद एडीएम ने समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। केमेड़ी देवी झाकरा रोड के संबंध में आया था, जिसमें रोड में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पेड़ों का छपान हो चुका है, जॉब पिलर बन चुके हैं। माननीय विधायक जी जिनकी उद्घाटन करते हुए फोटो है, 8 मार्च को उसका उद्घाटन माननीय विधायक क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया गया। बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है, 8 महीना उद्घाटन किए हुए हो गए, उसके बावजूद भी ये रोड नहीं कटी और न विभाग द्वारा इस पर कोई प्रक्रिया की गई। जबकि प्रथम ठेकेदार फेल है तो दूसरे ठेकेदार को उसका टेंडर दिया जाना चाहिए था, दूसरा भी नहीं करता, तीसरे को दिया जाना चाहिए था। इनकी मिली भगत से इस रोड का कार्य अधूरा पड़ा है। हमने तो सोचा था उत्तराखंड आंदोलन कार्य बना करके कि हमारा विकास होगा, लेकिन विकास की जगह पर हम लोगों का यहाँ पर विनाश हो रहा है। हम लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमारे ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पे, जो भी हमारे क्षेत्र में हमारे 25 से लेके 30 गांव हमारे इसमें सम्मिलित हैं, जिनका शासन प्रशासन खाली एक खेल सा वहाँ पर कर रहा है 3 महीने से। अभी तक ना वो रास्ता खुला है, शादी का समय हो गया, जितनी भी हमारी महिलाओं को दुख तकलीफ या जितने भी बुजुर्ग लोग हमारे हैं काफ़ी परेशानी में यहाँ पर जी रहे हैं, और शासन प्रशासन इसके लिए कोई भी ध्यान हमारा प्रशासन का इसमें नहीं गया है। तो इसीलिए हमारा ये आंदोलन है, 1 हफ्ते का हमें समय दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते के भीतर में इसमें पूर्ण हमारे यहाँ मार्ग नहीं खुला गया तो हम चक्का जाम करके स्टेट बैंक के तिराहे पे, और उसके बाद अगला आंदोलन क्या होगा हमारा ये हमें अभी कुछ पता नहीं है। कितने गांव प्रभावित हैं? हमारे इसमें 25 गांव हैं प्रभावित, 2 न्याय पंचायत आती है हमारी इसमें, 3 न्याय पंचायत हमसाई को रवाईखाल और खरई ग्राम डूंगर गाँव ग्राम पंचायत नहर। हमारी जो समस्या है 2016 से 4 किलोमीटर रोड के निर्माण की है, जिसमें हम समय समय पर हमने क्रमिक अनशन भी किया था और लिखित समझौते के तहत 6 महीने का समय विभाग ने मांगा था, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि रोड का कार्य प्रारंभ किया जाए। हमने फिर निवेदन किया है कि इस बार अगर 31 नवंबर तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होगी तो हम जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यह कारगिल शहीद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव भी हुआ है, उनके साथ घोर अन्याय है। इस के संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री महोदय को भी कई बार लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री महोदय को भी, और तमाम जनप्रतिनिधियों से हम मिल चुके हैं, लेकिन कोई उचित कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई है। अधिकांश शिकायतें जो है सड़कों से संबंधित थी, कपकोट पीडब्ल्यूडी से संबंधित शिकायत आई है। इसमें इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि जो है टेंडर प्रोसेस अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुई और काम क्यों नहीं शुरू हो पाया, जबकि इसका जो फाउंडेशन था और जो उसकी शुरुआत थी वो करीब 8 महीने पहले कर दी गई थी। तो उसमें विभाग को निर्देशित किया गया है कि तत्काल अगर पहले ठेकेदार ने काम नहीं किया तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए पेनल्टी इत्यादि करते हुए रीटेंडरिंग की प्रोसेस तत्काल प्रारंभ करें, और जो मुआवजे की बात है उसको भी कर लिया जाए जल्द से जल्द। एक जो है हमारी गैरछेना वाली सड़क है, इसके संबंध में पूरा डेलीगेशन आया था, इनके द्वारा 1 सप्ताह के अंतर्गत विभाग को समय दिया गया है कि तत्काल इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो की जाए, और इन्होंने कुछ ऑल्टरनेट रास्ते भी इन्होंने सजेस्ट किए हैं और सुझाव दिए हैं इनके द्वारा। तो हमने विभाग को कहा है कि फिजिबिलिटी देख ली जाए, और क्योंकि स्थायी समाधान तो हमें इसमें देखना ही पड़ेगा।